हेलो एवरीवन, पब्लिक डिमांड में एक वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। आज रात हमारे गांव में बहुत ही अनहोनी घटना घटी है, लेकिन शुक्र है भगवान का कुछ जान की हानि नहीं हुई है। जो वीडियो आपके साथ साझा कर रही हूँ ये है गानवी 15-20 की। ये स्कूल सामने दिख रहा है, पर स्कूल को जाने वाला रास्ता पूरी तरह से कट हो चुका है, और जो यहाँ गानवी वन साइड और दूसरी साइड गानवी को जो जोड़ता है वो वाला पुल भी, पैदल चलने वाला पुल, बह चुका है। ये प्रॉपर गानवी सेफ है, बट जो बस स्टैंड वाली साइड थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। ये देखिए किस तरह बिजली के खंभे टूट के गिर चुके हैं और पानी पूरी तरह से अपना क्रूर रूप पे है। मलबा पूरी तरह से सड़कों पर आ चुका है और सड़कों से गाड़ियाँ बह चुकी हैं। कुछ अपने घर खो चुके हैं, बाढ़ में बह गए हैं उनके घर, और मलबा घरों में अंदर तक जा चुका है। देखिए किस तरह फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, पूरा रेत आ चुका है वहाँ पे, मलबा आ चुका है, और जितना भी यहाँ पे धान सब्जियाँ फसल जो भी लगाई थी वो पूरी तरह से इसमें बह गई है। ये देखिए सेब के पौधे दब चुके हैं, इसमें मलबे में दब चुके हैं, और गाड़ियाँ भी देखिए किस तरह से मलबा गाड़ियों के साथ आया है। कहते हैं जब प्रकृति क्रूर रूप लेती है तो वो अपने साथ सबको बहा ले चलती है, बस उसी प्रकार से यहाँ पे भी हुआ है। देखिए वो चाहे जितनी बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है, कुछ भी हो, उसके सामने आ जाए तो वो अपने साथ लेके ले चलती है। घानवी और गांव से जोड़ने वाला पुल ये सेफ है, लेकिन आगे रोड पूरी तरह से टूट चुका है। ये सामने पैदल चलने वाला पुल था जो बस स्टैंड को गानवी से जोड़ता था, लेकिन अब पूरी तरह से ये टूट चुका है। यहाँ मलबा आया है शॉप्स में। जब प्रकृति अपना क्रूर रूप दिखाती है तो वो कुछ ना कुछ भयानक ज़रूर करती है, और ये मंजर आपको देखने को मिल रहा है। ये गानवी को ज्यूरी से जोड़ने वाला रास्ता है और 6 पंचायतों को ज्यूरी से जोड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ब्लेसिंग देते रहिएगा।